सो हेलो एवरीवन आज हम वेलकम करते हैं विशाल तिवारी वीटी सर थैंक यू राइट सर थैंक यू और स्टडी भारत यूट्यूब से और सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हाँ. और मैं सर से इस बात से प्रभावित हूँ बहुत ज्यादा कि आज मुझे ना एक्चुअली रियल एग्जांपल मिल चुका है कि हम हमें मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि यार चैनल तो एक क्रिएटर ही बनाता है सर है राइट लेकिन सर वो जीता लगता प्रूफ है हुँ. अभी हम लोग सर का एक हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे तो मुझे पता चला कि सर के यू नो

घर आके मैं खाना खाके सो गया और मैं जब उठा बहुत सारे कॉल बहुत सारे मैसेज तो चला गया सर फिर आ रहा है, टेलीग्राम भी पढ़ाते थे सर और चैनल पे सब्सक्राइबर के तीन लाग, लाग, और वो इंडिया का नीट कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल था मतलब हम बड़े बड़े एडेक को फेल कर चुके थे हम दो तीन लोग मिल जी हम और हमारे पीछे की बैक एंड जी और वो इतना प्रीशियस चैनल था उस टाइम का कि आप समझ नहीं सकते कि हम वीडियो डालते थे और कोई ऐसी वीडियो ढाई लाख तीन लाख से नीचे नहीं करते थी सब्सक्राइबर भी ढाई तीन लाख ही थे उसके बस बीच बस में, में ही था मतलब लोग बहुत आप ये सोचिए कि सर आ, अगर लाइक जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे होंगे जो नीट के होंगे वो सर को ऑलरेडी जानते होंगे तो सर का एक बहुत ही प्रीमियम चैनल ये सर ये बात कब की थी ये फेब की अच्छा लास्ट फेब अच्छा लास्ट, फैब एक साल पहले की साल पहले की करेक्ट करेक्ट तो उस समय का टॉप चैनल ऑफ द कंट्री और रातों रात ये आपको पता लगे कि सर वो चैनल गायब है क्योंकि किसी ने कॉपीराइज स्ट्राइक कर दिया तीन स्ट्राइक आ गए और गया आपका टेलीग्राम भी जिसमें ढाई लाख से पौने तीन लाख के बीच का है वो भी आपका जा चुका है और आपका इंस्टाग्राम भी वो हो चुका है सस्पेंड हो चुका है आपका और मेरे पास कोई ऐसा वे नहीं बचा था कि मैं बच्चों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं मेरे पास और एग्जाम आने वाला है आपका जो सीजन है वो आने वाला है बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है टीचर को भी दिक्कत हो रहा है और मेरा करियर पूरा स्टेक पे था बच्चों का तो था ही बच्चे फिर भी मैनेज कर लेंगे कि चलो ये सर अभी यहाँ तो वहां कर लेंगे वहां अब मेरे लिए वो बहुत ऐसा डेड एंड सिचुएशन आ गया था लेकिन लाइफ में इतना झकझोर है ना पहले से भी जी पर डरना क्या है मेरे को यही लगा कि ठीक है फिर नया स्टार्ट कर लेते हैं जीरो से वापस स्टार्ट कर लेते हैं तो मैंने टेलीग्राम भी नया बनाया इंस्टाग्राम भी बना ही दिया था नया और यूट्यूब भी नया बनाया और आप देखोगे तो मैंने जो अनाउंस किया और एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया कि मेरा वो चैनल अब नहीं रहा hmm. मैं ये चैनल पे अब आपको पढ़ाऊंगा और मुझे था कि बीस पच्चीस कर, करने लग गया so, कुछ ऐसा हुआ, हम चाय उठे और देखे अचानक से पचहत्तर सब्सक्राइबर तीन चार घंटे के अंदर हम सोने गए एक लाख सब्सक्राइबर अगले दिन जब क्लास सब्सक्राइबर बताइए यही है कि सर बुरा क्या होगा हम तो सबसे हम तो अपने लिए तैयार है नहीं सर वो तो आप कह रहे हैं बट मुझे एक चीज समझ आती है कि 24 घंटे में अगर लाख सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि चैनल की अहमियत नहीं है क्रिएटर्स की अहमियत है जो आपने बिल्ड करी थी अपने स्टूडेंट्स के हाँ, लिए हाँ। कि चैनल का क्या है यहाँ से निकलेंगे सारे बच्चे कहीं और हाँ, प्लेटफॉर्म पे आ गए ये तो जस्ट लाइक वो समझिए ना कि ऑफलाइन में अगर आप बीस बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो भाई मान लीजिए रेंट में था मना कर दिया दूसरे जगह ले लिए बीस बच्चे वहां पढ़ रहे हैं से, तो से ये 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 प्यार जो रहता है तो समझ इससे हमें स्पेशली मुझे और बाकी क्रिएटर्स को ये लेसन मिलता है कि चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ। इंपॉर्टेंट आप हम है हाँ। जो हम उस चैनल पे बैठ के पढ़ाते हैं या कुछ कंटेंट क्रिएट हाँ। करते हैं मेरे को तो ये लगता है कि सर आप अपने कॉन्टेंट में बेस्ट बेस्ट हो अगर अपना कॉन्टेंट सबसे अच्छा दे रहे हैं तो बच्चा खोज के आएगा करेक्ट वो अपने दस दोस्तों को फोन करता है कि यार वीटी सर का चैनल बता दो कोई लिंक बता दो कुछ दे दो और वो पूछ के आता है फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी

एक क्लास में 22000 हजार पच्चीस बच्चे बैठाते थे वहां पे मतलब तो स्टूडेंट कुल मिला के सर पचास साठ बच्चे एक दिन में लाइव होते थे चैनल ये तो लाइव है उसके बाद और हम कुछ वैसे भी डालते थे गाइडेंस वीडियोस तो दिन में चार या पांच वीडियोस मैंने यही किया ना कि वो तीन लाख मेरे को था कि तीन वीक में कर लेना है और सर हुआ यही। <laughs> वो जोश मतलब वो पावर आ गई आपके अंदर मतलब बच्चों ने जो दिखाया हाँ। फिर वैसे तो आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट थे, थे कि यार मेरे को चला गया कोई टेंशन नहीं है दोबारा कर लेंगे कर लें। बट जो बच्चों ने जोश दिखाया उससे और पावर हाँ आ गई हाँ। आपको हाँ। और ये हर टीचर हर क्रिएटर के लिए सर की चैनल इंपोर्टेंट नहीं है चैनल एक बस दिखाने के लिए एक माध्यम है करेक्ट आप दो लोग कनेक्ट कर रहे हैं

और लाइक बाकी क्रिएटर्स आपको देख के वो मोटिवेट होंगे कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि प्लीज आप हेल्प करिए ठीक है आप हेल्प कर सकते हैं आप सर के लिए आवाज उठा सकते हैं उठाइए जरूर क्योंकि ऐसे टीचर्स अगर हैं और इंटरनेट पे मुझे पता है सर कॉन्फिडेंट है दूसरा चैनल खोलेंगे आ जाएंगे बट सर मैं तो यही कहूंगा कि आपसे क्रिएटर वाकई इंस्पायर्ड होंगे जिनके चैनल डिलीट हो जाते हैं तो चैनल से ज्यादा अपने ऊपर काम करिए और अपने ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने आए और इतना सारा वेल्यूबल चीजें बताई थैंक यू थैंक यू सो मच सर